लातेहार में मॉनसून की बेरुखी ने किसानों की परेशानी बढ़ा दी है। आसमान में बादल तो छाए हैं, लेकिन पानी बरस नहीं रहा है। इसके चलते खरीफ की फसल सिंचाई के अभाव में सूख रहे हैं। मक्के का बीज अंकुरित नहीं हो पाया है, जिससे किसान काफी परेशान और निराश हो गए हैं और आसमान की तरफ टकटकी लगाए बैठे हैं। वहीं कृषि विज्ञान केंद्र सुनीता कुमारी ने किसानों को कम बरसात होने के चलते किसानों को मक्का के अलावा ज्वार बाजरा जैसी फसल को बोने की सलाह दी है। लातेहार जिले के 54,000 हेक्टेयर एरिया में खेती योग्य भूमि है और अभी खरीफ का मौसम है, जिसमें किसान भाई धान का बिचड़ा लगा चुके हैं और साथ ही मकई का भी दाना बुन चुके हैं। लेकिन जो हमारी बारिश है वो जुलाई के महीने में सिर्फ 39.8 mm बारिश हुई है, जिसके चलते हमारे जो खेत में लगे हुए सारे दाने और ये सब जो लगे हुए खेत में वो सारे सूख चुके हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों को यही अनुरोध करूंगे कि मोटे अनाज वाले फसल, जिसमें कि ज्वार बाजरा, साथ ही फलदार वृक्ष, फिर लतेदार वृक्ष, ओल की खेती आप ज्यादा से ज्यादा कम बारिश वाले एरिया में करें। का लगा हुआ है और टमाटर का बिछड़ा हो रखा है, बैंगन का हो रखा है, मिर्चा का हो रखा है। मौसम का स्थिति बहुत खराब है, हर दिन बारिश का उम्मीद किसान लगाए बैठे हैं। 15 दिन से यहाँ बारिश नहीं हो रहा है और काफी तैयार हो गया है, मिर्चा भी लगाने की स्थिति में है, मगर बारिश। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।